हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एचबीओ मैक्स पे बहुत बड़ी हिट रही थी, और उसके बाद जब डीवीडी और ब्लू रे पे उसे रिलीज़ किया गया था, तो बहुत सी मार्केट्स में कई वीक्स तक वो बेस्ट सेलिंग होम मीडिया में रही थी, यानी बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही थी। हम जानते हैं वार्नर मीडिया का जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है एचबीओ मैक्स, वो कुछ ही दिन में यूरोप मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और लॉन्च से पहले उसका जो प्रमोशनल इवेंट है, प्रमोशनल टीज़र और बाकी जो प्रमोशनल वीडियोस हैं, जिसमें कंपनीज जो होते हैं वो अपने कंटेंट को शोकेस करती हैं कि आप हमारी स्ट्रीमिंग ऐप से या हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रमोशन के दौरान वार्नर मीडिया के एक ऑफिशियल प्रिया डोगरा, उन्होंने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को कहीं तो एक ग्लोबल फिनोमिनन बताया। ग्लोबल फिनोमिनन यानी ऐसी चीज़ जो पूरे वर्ल्ड को मुतासिर करे, यानी कहें तो पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस करे पॉजिटिव वे में, उसको बोलते हैं ग्लोबल फिनोमिनन। तो उन्होंने इस मूवी की तारीफ़ की है, और जैक स्नाइडर ट्रिलॉजी की उस प्रमोशनल इवेंट में तारीफ़ की गई। अब ग्लोबल फिनोमिनन का मतलब गाइज यही अब हम समझ सकते हैं कि फाइनली वार्नर मीडिया और वार्नर ब्रदर्स ओपनली इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बहुत बड़ा सक्सेसफुल रही थी। जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई थी, तो बहुत से थर्ड पार्टी जो पोर्टल्स हैं उन्होंने कहा था कि मूवी को बहुत ज़्यादा देखा गया है और स्ट्रीमिंग इसकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वार्नर ब्रदर्स जिनकी ये खुद की मेन प्रॉपर्टी है, वो कहें तो पूरी तरीके से टाइट लिप्ड थे इसको लेके। यानी अक्सर जब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं तो प्रोडक्शन हाउस तो उस सक्सेस को शोकेस करते हैं कि हाँ भैया, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सक्सेसफुल हुआ है। और डिज्नी जैसे प्रोडक्शन हाउस, वो तो कहो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, कि भले ही हुआ कम ही हो वो तब भी बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तो तब भी वार्नर ब्रदर्स की जैक स्नाइडर जस्टिस लीग अगर इतना हिट हुई थी, तो उन्हें एटलीस्ट सामने आके बताना चाहिए था पहले कि हाँ भैया, ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी हमारी ये प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग और स्नाइडर वर्स या जैक स्नाइडर की ट्रायोलॉजी, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसको ओपनली कहें तो प्रमोट कर रहे हैं, और उसे एज अ टूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है कहे तो प्रमोशन के लिए। क्योंकि जैक स्नाइडर यूएस मार्केट में उनकी मूवीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि कम चलती हैं, लेकिन गाइज यूएस के जो बॉक्स ऑफिस की जो ऑडियंस है, यूएस ऑडियंस, वो गाइज अभी भी ऐसी ही है जो कहें तो ज़्यादातर क्रिटिक्स के इशारों पे ही नाचती है। और आप जानते ही हैं, क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स वैसे भी जैक स्नाइडर को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ में देखें तो जैक स्नाइडर का बहुत बड़ा फैन बेस है। और जैक स्नाइडर की जो रिलीज़ द स्नाइडर कट मूवमेंट थी, उसमें जो ओवरसीज़ वाले जो ऑडियंस थी, यानी ओवरसीज़ के जो डीसी फैंस थे, उनका भी एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल है। तो यूरोप मार्केट में कहें तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को कहें तो प्रमोशनल इवेंट्स में शामिल किया गया उसे प्रमोट करने के लिए, और ओपनली तारीफ की जा रही है कि हाँ भैया, ये जो हमारा प्रोडक्ट था वार्नर ब्रदर्स का, ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर ये चीज़ सच में सक्सेसफुल रही है, और जस्टिस लीग हम जानते हैं वो तो सुपर फ्लॉप रही थी, और ये जस्टिस लीग इसको फैंस ने भी अप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने भी अप्रिशिएट किया, तो जाहिर सी बात है इसे कैनन उन्हें मानना ही चाहिए। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाए। और जल्दी ही ये भी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में भी एचबीओ मैक्स रिलीज होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, लेकिन कब होगा उसकी डेट अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुई है। तो गाइस, क्या आप इस बात से खुश हैं कि फाइनली वार्नर मीडिया इस बात को कबूल कर रहा है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक बहुत बड़ी हिट रही थी? और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।